तो बहुत गलत कर रहे हैं, मेरे को डर लग रहा है यार साले भाई अब इसको। तो भाई नाव सीखा लोगों को देख रहा हूँ, लोग आए भाई गाड़ी चला रहे हैं बस नाव को। वाओ देख रहा हूँ, डर लग रहा था। गुड मॉर्निंग बिट्टू भाई। गुड मॉर्निंग, तो सभी को गुड मॉर्निंग। और मैं उठ गया, काफी अच्छा नींद है, लेट तो सोए थे, अभी भी नींद आ रहा है। उठते हैं और यहाँ का सनसेट, सॉरी यार सनराइज आपको दिखाते हैं। सनसेट इसलिए याद आ रहा है क्योंकि कल का मिस कर दिया सनसेट, और अभी सनराइज आपको दिखाते हैं यहाँ का, काफी अच्छा है। तो उठते हैं और बाहर का नज़ारा आपको दिखाते हैं। तो दोस्तों यहाँ का नज़ारा देखो, मॉर्निंग का, और अभी सनराइज होने को आएगा सनराइज, यहाँ काफ़ी अच्छा व्यू दिखने वाला। और यहाँ सुबह सुबह सीढ़िया की चहचहाहट, और काफ़ी अच्छा लग रहा है। और हम लोग रात में, सुशील भाई यहाँ पर भी मछली मार रहा था, और जैसे कि मैं उठ गया हूँ और बाहर का नज़ारा काफ़ी सुंदर लग रहा है। धीरे धीरे मेरे पीछे में चिड़ियों की आवाज़ आ रही है, काफ़ी सुंदर लग रहा है। और इसी साइड किनारे किनारे सुशील और बिट्टू मछली मार रहे थे, और मैं यहाँ पर अकेले था इस जगह में। और मैं नाइट में आपको बोल रहा था ना कि अपना टेंट इस साइड पीछे लगा है, और इस साइड पहाड़ का व्यू बहुत अच्छा आने वाला है। ये देख सकते हो मेरे पीछे बैकग्राउंड में जो पहाड़ दिख रहा है, काफ़ी सुंदर दिख रहा है। अभी जैसे सनराइज होगा तो काफ़ी सुंदर दिखने वाला है। तो सुशील अभी भी नींद आ रहा है आपको? आठ नौ बजे सोने वाला आदमी, कल कितने बजे सोए आप? पता नहीं यार, मतलब नींद लग ही नहीं रहा था, ऐसे टाटा कब नींद लगी। डेढ़ दो बज गया तब देखो सोते सोते है ना। तो दोस्तों देख सकते हो टेंट काफी सुंदर लग रहा है यहाँ पर अपना, और मैं आपको अपना रूम का भी डे में मॉर्निंग में आपको दिखाता हूँ। इस प्रकार का रूम था, सब सामान वामान इधर रखाया हुआ है। फिर यहाँ से जैसे हम लोग निकलते हैं, गाड़ी खड़ी है, और ये देखो यहाँ का नज़ारा, पड़ोस में अपना टेंट, अपने भाई लोग यहाँ आग जलते जलते तो बुझ गया, रात भर यहाँ आग जला था। और यहाँ पर सेटअप वेटअप करके अभी लेते हैं सनराइज़ का नज़ारा। अब धीरे धीरे करके यहाँ से सनराइज़ होने ही वाला है, और काफ़ी सुंदर लगने वाला है। जैसे सनराइज़ यहाँ होगा काफ़ी ज़्यादा यूनिक लगने वाला है, क्योंकि मैं यहाँ जब भी आया हूँ तो डे में जब सूरज उग जाता है, अब फर्स्ट टाइम है कि मॉर्निंग में यहाँ पहुँचा हूँ, तो अभी सनराइज़ देखने को मिलेगा और काफ़ी खूबसूरत लगने वाला जिस हिसाब से लोकेशन में हम लोग हैं। और ये मैं चारों साइड आपको लोकेशन दिखाता हूँ, इधर से इस साइड पीछे में जंगल है, जो कि रात में काफ़ी आवाज़ आ रहे थे, और सियार लोमड़ी और कुछ जानवर थे घूम रहे थे। ये देखो इधर का नज़ारा पहाड़, और इधर का जो नज़ारा है काफ़ी सुंदर लगने वाला है। और मैं बहुत देर से वेट कर रहा हूँ, नहीं मतलब अभी अभी जस्ट उठा हूँ, और बहुत कम जल्दी मैं सवेरे उठता हूँ। और फिलहाल वेट करते हैं और दिखाते हैं यहाँ का सनराइज़। हम लोग सुबह सुबह उठे हैं, उसके बाद देख रहे हैं यहाँ पर दो ठो नाव दिख रहा है हम लोग को, और अब मछली इन लोग पकड़ना चालू हो गए सुबह सुबह, 6:30 बज रहे हैं अभी। और धीरे धीरे करके ये जो अपने जो दो बड़े बड़े पहाड़ दिख रहे हैं यहीं से सनराइज होने को है, और ये देख रहे हैं धीरे धीरे रेड हो गए सर के बादल। तो दोस्तों देख सकते हो अपना सनराइज निकल गया, को धीरे धीरे करके जो यहाँ का नज़ारा है, वाह यार क्या ही बोलो।
सनराइज मॉर्निंग का देखने को मिल गया, काफी अच्छा लग रहा। और जो पहाड़ के पीछे से धीरे धीरे करके आ रहे हैं अपना टेंट वहाँ दूर में, और पीछे में अपना सनराइज निकल चुका है, काफी अच्छा लग रहा है। हाउस बैठ के जो सुकून और देखने में जो मजा आता है। आप सभी को गुड मॉर्निंग, और इधर का सनराइज आप लोगों को दिख रहा होगा मेरे पीछे में, काफी सुंदर सा दिख रहा है। और ये दोनों पहाड़ के जस्ट ऊपर से निकल रहा है, काफी यहाँ का जो नज़ारा है काफी अच्छा लग रहा है। और मैं कुछ देर यहाँ बैठ के नज़ारे का आनंद लेने वाला हूँ, और आप लोग भी देखिए ये नज़ारा अपना सनराइज कैसा लग रहा है यहाँ से। कैंपिंग के लिए आया, और ये जगह काफ़ी मतलब कोरबा में काफ़ी पास में है, सतरेंगा जस्ट यहाँ से पास में ही है। अपने कैंप के जस्ट पीछे आ गया हूँ, अपना कैंप का दरवाजा सामने में है, और कैंप भी दिखाते हैं आपस, और फिर हम लोग भी फ्रेश वेश होने के लिए चलेंगे। और ये देखो हमारे पीछे में अपना ये कैंप लगा हुआ है, दो दो कैंप है अपने पास, जो रात भर इसी में हम लोग सोए, मैं तो अकेले अपने कैंप में था। पीछे का ये नज़ारा देखो, तालाब और सनराइज, और इस तालाब तो नहीं मतलब इस नदी के बीच में जो पानी का जो प्रकाश पड़ रहा है सनराइज का, काफ़ी सुंदर सा लग रहा है। और यहाँ पर पास में देख रहे हो गांव से बैल चरने के भी आ गए हैं। ये जो टिशू के फूल है काफ़ी सुंदर लग रहे हैं, रेड रेड देख सकते हैं। और पीछे में अभी अब जो ऊपर से का पेड़ है सराई पेड़, साल और साल महावृक्ष वहाँ पर बड़ा सा है, वो भी अभी अच्छा दिख रहा है, क्योंकि पतझड़ के होने के बाद नए नए पत्तियाँ आई हैं यहाँ। जैसे तो परसा के पेड़ में जैसे नया नया पत्ती आया है, तो हम लोग चलते हैं वापस, दतवन तोड़ते हैं और फ्रेश होते हैं। तो सुशील भाई अभी अपने लिए दतवन तोड़ने के लिए छोटे से सराय के पेड़ ऊपर चढ़ गया है, और यहाँ दतवन तोड़ते हैं और अपना सनराइज, और ये देखो कैंप, और सुशील भाई ऊपर चढ़ गया है। सुशील भाई में ब्लॉग दतवन तोड़े कुछ अच्छा सा, और हम लोग यहाँ ब्रश करते हैं फिर फ्रेश होते हैं। ये अपना दतवन टूट गया है, अब दतवन करते हैं अपन, आज दफन करेंगे इसका डोंगा। और ये डोंगा बोलते हैं कि उस पर भी गांव है, तो इस डोंगा से भी जाते हैं, और उस पर भी एक डोंगा दिख रहा होगा, आदमी दिख रहे हैं, उस साइड भी गांव है, उधर भी इस पर आने के लिए डोंगा यूज़ किया जाता है, और इस पर से उस पर भी जाने के लिए डोंगा का यूज़ करते हैं आपस ना। और मैं कर रहा हूँ मुखारी और दत्वन, और इसको क्या क्या बोलते हैं आपके तरफ ये भी कॉमेंट्स करके ज़रूर बताएँ। और जल्दी जल्दी मैं मुखारी करता हूँ, तो फ्रेश होते हैं और कुछ नाश्ता बनाते हैं। सुबह ब्रेकफास्ट में और क्या मिलने वाला अपने को,